बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बात करते हैं मेष राशि की। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि इस समय आपकी सेहत बिगड़ सकती है, धन की हानि हो सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है। बेहतर होगा कि पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें ताकि आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर होगा। वृषभ राशि, करियर में कुछ न कुछ परिवर्तन इस समय होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक स्थिति भी आपकी कुल मिला के बेहतर दिखाई दे रही है और इस समय आपके परिवार में शुभ कार्य होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, धन का बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है और इस समय रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर की भी समस्या हल होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। कर्क राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, मन की स्थितियां बेहतर हो रही हैं। करियर में आपके लिए लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। इस समय किसी मित्र की सलाह से आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा चांदी जैसा रंग और आपका भाग्य मीटर होगा 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, बेवजह की चिंताएं आपके मन में दिख रही हैं, इन चिंताओं से बचें। इस समय स्थान परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए मेंटली तैयार रहें। इस समय अगर आप खाने की वस्तु का दान करें किसी गरीब आदमी को तो बहुत हद तक आपकी मुश्किलें ठीक हो सकती हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। कन्या राशि, पुराना डूबा हुआ फंसा हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। करियर की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी और इस समय कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। बात कर लेते हैं तुला राशि की। आपको मान सम्मान और यश की प्राप्ति होने के संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होने का योग भी बन रहा है और इस समय आपको आकस्मिक धन का लाभ भी अवश्य होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं, इस समय धन की प्राप्ति आसानी से होगी। पारिवारिक समस्याएं भी आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनुराशि, संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान देना होगा इस समय। जो भी आप निर्णय लेने जा रहे हैं उसमें सावधानी रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, मुश्किलें कम हो, तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। मकर राशि, इस समय करियर में किसी बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं और इस समय करियर में बदलाव हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपकी दौड़ भाग भी थोड़ी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग होगा हरा
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, परिवार में मंगल कार्य होने के योग दिख रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, लेकिन लिखा पढ़ी के मामलों में, सिग्नेचर करने के मामलों में थोड़ी सावधानी रखिएगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।